तो आपने कही इम्फालमां छे स्वदेशी मिसाइल तैनात एनी विगतवार बात करीशुं तो मध्य रेन्ज में हवामां फायर करनारी आ मिसाइल छे आ उपरांत ब्रह्मोस मिसाइल थी दुश्मन पर करी शके छे सटीक वार स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर पण छे सबमरीन रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पण एमां तैनात रहेशे 76 मिलीमीटर सुपर रेपिड गन माउंट करवामां आवी छे INS इम्फाल पर INS इम्फाल नू A to Z समझवानो प्रयत्न करीशुं तो इम्फाल नी ईंट 19 मे 2017 मां राखवामां आवी हती जहाज ने 20 एप्रिल 2019 पानी मां उतारायुं हतुं 28 एप्रिल 2023 नो ए दिवस के जारे समुद्र मां परीक्षण माटे INS इम्फाल रवाना करवामां आव्युं हतुं 20 ऑक्टोबर 2023 सेनाना हवाले करवामां आव्युं 90 डिग्री पर हुमलो करनारी ब्रह्मोस मिसाइल नू सफल टेस्टिंग पण करी लेवायुं छे इम्फाल थी भारत नी ताकत मां थशे और वधारो अने माटे ज दुश्मन देशो डरी रहा छे बीजा विश्वयुद्ध दरमियान इम्फाल नी लड़ाई मां शहीदों नी याद मां आने युद्ध जहाज ने नाम अपायुं छे INS इम्फाल INS इम्फाल नी खासियतों नी विगतवार बात करीशुं तो डिस्प्लेसमेंट छे 7400 टन जेनी लंबाई नी वात करीए तो छे 535 फूट नी लंबाई आ उपरांत बीम छे 57 फूट ना खूब ज मजबूत छे INS इम्फाल एंजीन डीजल इलेक्ट्रिक बन्ने रीते कार्यरत थई शके तेम छे स्पीड नी वात करीशुं 56 किलोमीटर प्रति कलाक नी झड़पे ते दरिया मां दौड़ी शके तेम छे क्षमता नी वात करीशुं समुद्र मां 45 दिवस सुधी INS इम्फाल रही शके ते प्रकारनी क्षमता छे 50 ऑफिसर्स अने 259 नौसैनिकों INS इम्फाल पर हमेशा तैनात राखवामां आवशे तो INS इम्फाल ना नौकादळमां सामेल थवाथी दुश्मन देशो डरमां आवी गया छे समाचारमां विस्तारमां थई गयुं छे।